नमस्कार प्रिय छात्रों, मैं शांतिनाथ झा। आज मैं षष्ठ वर्ग के छात्रों को द्वितीय पाठ से संबंधित बातों को बताने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक सुमधुरा प्रभात वेला। सुबह का समय है, ऐसा प्रभात वेला सुमधुरा, यह जो प्रभात वेला है, सुबह का समय है, सुंदर ऐसा हम प्रातः काल का सूर्य अस्ति, यह प्रातः काल का सूर्य है। यदा सूर्य उदयति तदा अंधकार नश्यति। जब सूर्य भगवान उग जाते हैं, उदित हो जाते हैं, तो हम लोगों का अंधकार नष्ट हो जाता है। सूर्य के प्रकाश के सामने अंधकार टिक नहीं सकता। सूर्योदय चटका उदयती, सूर्योदय के समय में पक्षियों उदते, पक्षिण कलरवम कुर्वन्ति, पक्षी सुंदर कलरव करते हैं, क्या चाहते हैं। पशु इतस्तः भ्रमन्ति, पशु इधर उधर घूमते हैं, सर्वे जीवा स्वस्व कार्येषु संलग्ना भवन्ति। सभी जीव, सभी प्राणी अपने अपने कार्यों में लग जाते हैं। सूर्येण एव प्राणी चैतन्यम आगच्छति, हम लोग चेतना को कैसे प्राप्त करते हैं, तो सूर्य से ही प्राप्त करते हैं। प्राणियों में जो चैतन्यता आती है, जो चेतना आती है, वह सूर्य से ही। वनेषु उपवनेषु क्षेत्रेषु च शीतला मंदा सुगंधा वायु, वनों में उपवनों में और खेतों में शीतल धीनी धीनी सुगंधित वायु बहती। सूर्येण एव चंद्रादि नक्षत्राणि प्रकाशं विन्दन्ति, सूर्य से ही चंद्रादि नक्षत्र प्रकाश को प्राप्त करते। प्रभात वेलायां वाटिकासु भ्रमणेन स्वास्थ्यं समीचीनं तिष्ठति, सुबह के समय उद्यान में घूमने से स्वास्थ्य सही रहता है, ठीक रहता है। बुद्धिमंता पुरुषार्थ स्त्रियः बालाश्च प्रातः भ्रमणार्थं शुद्धवायो बहिः गच्छन्ति, बुद्धिमान लोग महिलाएं और बच्चे सुबह घूमने के लिए शुद्ध वायु में बाहर जाते। युवाना व्यायामम धावनम कुर्दनम च गुरुवंती उत्तमम स्वास्थ्यम चलभंते, युवक व्यायाम दौड़ना और कूदना फादना करते हैं तथा उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त करते हैं। अतः अस्माभिः अपि ब्रह्म मुहूर्ते उत्थाय शुद्ध वायु भ्रमणीयम, इसलिए हमें भी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शुद्ध वायु में भ्रमण करना चाहिए। उक्तम अपि तमसोमा ज्योतिर्गमय, कहा भी गया है कि अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। यानी छात्रों, अब मैं आप लोगों को शब्दार्थ कराने जा रहा हूँ। चटका चीनिया सूर्य, सूर्य अंधकार, अंधकार सूर्येण सूर्य से, सूर्योदये सूर्य के उदय होने पर, उदयति उदय होता है, नश्यति नष्ट होता है, पक्षिणः पक्षी, कलरवम चहचहाना, पशव अनेक पशु, जीवा प्राणी स्वस्व कार्येषु अपने अपने कार्यों में संलग्ना लगे हुए, प्राणिषु प्राणियों में, चैतन्यम चेतना, नक्षत्राणी अनेक नक्षत्र, प्रकाशम प्रकाश, तमसः अंधकार से, समीचीनम सही या अच्छा, विन्दन्ति प्राप्त करते हैं या पाते हैं, गमय ले चलो माँ मुझे। प्यारे छात्रों, अब मैं आप लोगों को प्रश्नोत्तर का कार्य कराने जा रहा हूँ। नंबर संख्या एक, निम्नलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणी संस्कृत के तहत, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा के माध्यम से लिखें। क, सूर्योदय कह नश्यति, सूर्योदय में क्या नष्ट होता है, सूर्योदय के उगने पर क्या जो है सो खत्म हो जाता है, तो सूर्योदय अंधकार नश्यति। ख, चटका सूर्योदय किं कुर्वन्ति, चिड़ियाँ सूर्योदय के समय में क्या करती हैं। उत्तरम, चटका सूर्योदये उजंती, पक्षिणः किं कुर्वन्ति,
पक्षी क्या करते हैं? पक्षिणः कलरवं कुर्वन्ति, पक्षी क्या चाहते हैं? घौ चंद्रादय अकस्मात् प्रकाशं विन्दन्ति, चंद्रादि जो नक्षत्र हैं किस चीज से प्रकाश को प्राप्त करते हैं? तो चंद्रादय सूर्यात् प्रकाशं विन्दन्ति। नौ प्राणिषु चैतन्यं कुतः आगच्छति, प्राणियों में चेतना कहाँ से आती है? प्राणिषु चैतन्यं सूर्येण एव आगच्छति। नंबर दो रिक्त स्थानानि पूरयत्, रिक्त स्थानों को खाली स्थानों को भरिए। क प्रभात बेला शब्द है, यहाँ पर हो जाएगा ऐसा प्रभात बेला। ख सूर्येण एव प्राणिषु चैतन्यं आगच्छति, सूर्येण एव प्राणिषु चैतन्यं आगच्छति। गौ पशवः इतस्ततः भ्रमन्ति, गौ जीवा कार्येषु संलग्नाः भवन्ति। अनौ तमसुमा ज्योतिर्गमय, रस संख्याति सम्यक विकल्पम इति चिन्हेन चिन्हांकितम कुरुत, सही विकल्प को सही चिन्ह से चिन्हांकित कीजिए। सुमधुरा प्रभात वेला, ख पशवः इतस्ततः भ्रमन्ति, ग चंद्रादि नक्षत्राणि प्रकाशं विन्दन्ति सूर्येण। प्रश्न संख्या चार रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पद के आधार पर प्रश्न बनाइए। प्यारे छात्रों यहाँ शब्द में चिन्हित कर दिया गया है, जैसे क नंबर चटका, सूर्योदये चटका कूदन्ति, उत्तरम सूर्योदये काह कूदन्ति, प्रश्न मार्क का चिन्ह अंत में अवश्य लगाएंगे, नहीं तो परीक्षा में आपका अंक कट जाएगा। ख नंबर पक्षिणः कलरवं कुर्वन्ति, यहाँ पक्षिणों में चिन्हित किया हुआ है, पक्षिणः जो है वह पुल्लिंग है, प्रथमा का बहुवचन है, इसलिए के कलरवं कुर्वन्ति। गौ जनाः व्यायामं कुर्वन्ति, लोग क्या करते हैं? तो यहाँ पे व्यायाम में नहीं हो करके जनाह में हो जाएगा, इसलिए के व्यायामं कुर्वन्ति। घौ प्राणिषु चैतन्यम आगच्छति, प्राणिषु किम आगच्छति? अमौ पशवः इतस्ततः भ्रमन्ति, पशवः जो है वह पुल्लिंग है, प्रथमा का बहुवचन है, इसलिए के इतस्ततः भ्रमन्ति। प्रश्न संख्या पाँच हिंदी भाषायाम अनुवादं कुरुत, हिंदी भाषा में अनुवाद कीजिए। क नंबर एषः रविः आकाशे उदयति, यह सूर्य आकाश में उगता है। ख अहम ईशम नमामि, मैं प्रभु को नमन करता हूँ। ग प्रातःकाली जनाः भ्रमणाय उद्यानं गच्छन्ति, प्रातःकाल में लोग घूमने बगीचा को जाते हैं। भौ अहम नित्यम ईश्वरस्य स्तुतिं करोमि, मैं नित्य प्रभु की स्तुति करता हूँ। अनौ प्रातः सायं नित्यम युवानः व्यायामं कुर्वन्ति, सुबह शाम नित्य युवा व्यायाम करते हैं। चौ कृषकाः प्रातःकाले क्षेत्रेषु गच्छन्ति, किसान प्रातःकाल में खेतों में जाते हैं। प्रश्न संख्या छ परस्परम मेलनं कुरुत, आपस में मिलान कीजिए। प्रभात वेला, दो नंबर प्रातः कालिका, थ्री नंबर पक्षिणः कूजंती, चार नंबर
ब्रह्म मुहूर्ते, फाइव नंबर धावनम कूर्दनम, सिक्स नंबर कृषका क्षेत्राणि, प्रश्न संख्या सेवन संस्कृति अनुवादन कुरुता, संस्कृत में अनुवाद करें, मैं सूर्योदय से पूर्व उठता हूँ, अहम सूर्योदयात् पूर्वम् उत्तिष्ठामि। नंबर राम अपने मित्र के साथ खेल रहा है, रामः स्वमित्रेण सह खेलति, लोग वाटिका में घूम रहे हैं, जनाः वाटिकायां भ्रमन्ति। घ नंबर बच्चे व्यायाम करते हैं, बाला व्यायामं कुर्वन्ति, पेड़ पर बंदर बैठे हैं, वृक्षे वानरा उपविशन्तः सन्ति, कोयल कूपती है, पिकः कूजति। प्यारे छात्रों, सिक्स वर्ग के छात्रों का आप पाठ द्वितीय को पढ़ाते हुए संपूर्ण प्रश्नोत्तर का मेरे द्वारा करा दिया गया। धन्यवाद।